नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप हैं हमारे इस चैनल ट्विटर प्रोग्रामिंग पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा HTML के बारे में और इसके जो एडवांस वर्जन है HTML5 इसके बारे में, और फिर हम आपको बताएंगे CSS के बारे में। उसके ऊपर भी हमारी एक कंप्लीट सीरीज होगी। CSS के अंदर हम सेलेक्टर्स कैसे बनाते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स के CSS होते हैं, वो सारी चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। जो A to Z प्रॉपर्टी होते हैं CSS के, पूरा कंप्लीट हम आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद इसके कुछ एनिमेशन पार्ट्स होते हैं और कुछ जैसे मीडिया क्वेरी होता है जो वेबसाइट पर, वो चीज़ें CSS3 में इंक्लूड होता है, तो वो भी चीज़ें हम आपको इसमें अलग करके बताएंगे। तो बेसिकली CSS और CSS3 दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे और इसका एक हर एक का प्रैक्टिकली करके ही हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे JavaScript के ऊपर, जिसके अंदर आपको देखिए JavaScript बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज काफी ब्रॉड लेवल पे होता है। अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो इसके ऊपर जैसे फ्रेमवर्क बनता है, टाइप स्क्रिप्ट बना हुआ है, वो बेसिकली अगर कोई एंगुलर लर्न करना चाहता है तो उसके लिए वो चीजें होती है। बट एज ए वेबसाइट डिजाइनर आई डोंट थिंक सो दैट वी नीड मच मोर नॉलेज अबाउट JavaScript। अगर आपको हल्का फुल्का भी नॉलेज अगर है तो आपके लिए उतना मतलब कोई ऐसा टास्क अगर मिलता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। हम उस लेवल का आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जे क्वेरी के ऊपर। दोस्तों, जे क्वेरी के जैसा कि आप सब जानते हैं कि जे क्वेरी इज जस्ट लाइब्रेरी फाइल ऑफ विच आर रिटेन इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके कुछ इनबिल्ट मेथड होते हैं जो हमें यूज करना होता है, जैसे कि फेड इन, फेड आउट, स्लाइड इन, स्लाइड आउट, और भी काफी सारे फंक्शंस हैं। ये मैं आपको एज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप का क्या काम है, क्यों पढ़ते हैं और इससे क्या बेनिफिट है और आपके काम पे ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको पढ़ने से, इसको ना पढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अभी जैसे मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन अभी लॉन्च होने वाला है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन आ गया हो। तो अभी के करंट सिनेरियो में जो स्टेबल वर्जन है वो 3 और 4 है, तो हम इसमें आपको दोनों चीजें बताएंगे। वैसे अगर 5 भी आ जाता है या 6 भी आ जाता है कल के डेट में तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रॉपर्टी वही होगी, क्लासेस वैसे ही बनती है, आईडी वैसे ही बनेगी, बट अंतर ये हुआ कि नंबर ऑफ क्लासेस को वो और ज्यादा सिंप्लीफाई करके उसमें और बता दिया जाएगा। इसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे फोटोशॉप के बारे में। हालांकि आप सब सोचते होंगे कि फोटोशॉप जो है इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग, देन व्हाई वी नीड टू लर्न फोटोशॉप इन वेबसाइट डिजाइनिंग। ये हम आपका जो डाउट होता है या ऑलमोस्ट सबके पास ये डाउट होता है, तो ये सब हम आपको क्लियर कर देंगे कि फोटोशॉप का एक क्या रोल है एक वेबसाइट डिजाइनर के काम में। तो ये सारा चीजें हम देखेंगे। अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसके क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो हम आपको इस पूरे सीरीज में कवर करवाएंगे। इसके बाद हम आपको इंटरव्यू का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल राउंड में, वो सबसे पहला मैक्सिमम कंपनी यही पूछती है कि PHP to HTML कन्वर्जन करके दिखाओ। आपको कोई एक फोटो दे देगा वेबसाइट का बना हुआ और उसको बोलेगा HTML में कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर बोलेगा ये वेबसाइट है इसको PHP में कन्वर्ट करके दिखाओ। PHP मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो फोटोशॉप के अंदर जो हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं उसको बेसिकली कोड में कन्वर्ट करना, तो ये जो प्रोसेस होता है दीज आर नोन एज PHP to HTML। इसके बाद हमारा एक सेशन चलेगा जिसके अंदर हम आपको एक कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन करके दिखाएंगे। कोई भी एक हम सैंपल ले लेंगे जिसके ऊपर हमें बनाना होगा और उसके ऊपर हम एक पूरा आपको जितना भी हम अभी तक पढ़ेंगे जो मतलब उस टाइम पे अगर हम HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, फोटोशॉप ये सब पढ़ लिए होंगे तो इन सबको मिक्स करके एक प्रॉपर डिजाइन बना करके आपको वहाँ पे
दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको इंटरव्यू के कुछ हॉट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम आपको क्लियर कराएंगे कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट कंपनियां पूछती है। उसके बाद एट द लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग करने के बाद आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या बेटर रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं HTML। देखिए, स्टार्ट करने का दो पहलू है इसमें, या तो आप HTML से स्टार्ट कर सकते हैं या फोटोशॉप से कर सकते हैं, बट आई थिंक अभी बेटर मैं यही समझता हूँ कि आपको हम HTML से स्टार्ट कराएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम आपका HTML स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।